खुद की मेमोरी को इम्प्रूव करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा होगा अगर आप दूसरों की मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर पाएं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और आप लोगों का दिल जीत पाएं, आप दूसरों के लिए अनफॉरगेटेबल, लाइकेबल एंड मेमोरेबल हो जाएं, कि आपसे मिलने के बाद दूसरा व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को भूल ही ना पाए और आपको एक इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग इंसान के तौर पर याद रखे। तो अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 प्रूवन वेज जिससे आप सामने वाले के माइंड में एक पॉजिटिव छाप छोड़ सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो 15 टिप्स जिससे आप लाइकेबल बनते हैं और किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप किसी से बातचीत शुरू करें तो प्रेज के साथ, तारीफ के साथ, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ शुरू करिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि तारीफ ईमानदारी वाली होनी चाहिए, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन होना चाहिए। झूठ मूठ की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ मत करिए। और ऐसा करना बहुत सिंपल हो जाता है जब आप अपना एटीट्यूड इस तरह का बनाते हो कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी निगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हो। अगर आप लोगों में, इवेंट्स में, सिचुएशन में, हालातों में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की क्वालिटीज रखते हो ना, तो विश्वास मानिए आपको हर इंसान में, हर चीज में कोई ना कोई चीज ऐसी मिलेगी जिसके बारे में आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे पाओगे, आप उन्हें प्रेज कर पाओगे और वो झूठा या दिखावटी नहीं बल्कि जेन्युइन होगा। जेन्युइन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दें एंड दूसरों को अप्रिशिएट करें, ये आपको मेमोरेबल बनाता है। सेकेंड थिंग, लोगों में जेन्युइनली ट्रूली इंटरेस्ट लें, उनके भले में, उनकी प्रोग्रेस में, उनकी सक्सेस में। अगर आप हर संभव तरीके से उनमें इंटरेस्ट लेंगे और उनके साथ खड़े होंगे तो गारंटी है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उनका दिल ना जीत पाए। देखिए, रिलेशनशिप बनाना बहुत सिंपल है, लोगों के दिल में जगह बनाना बहुत इजी है, जो कि आपकी नियत पे, वैल्यू एडिशन पे और आपके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। अगर आप सच्चे दिल से जेन्युइनली किसी को सपोर्ट करते हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करे, आपकी बात ना सुने या आपको प्यार ना दे। थर्ड थिंग है स्माइल एंड दिस इज रियली अमेजिंग। मुस्कुराना तो मिरर इमेज क्रिएट करने के जैसा ही होता है। जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी मुस्कुराता है। ये है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो मुस्कुराने को अपनी आदत बना लें, लेकिन आपकी स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप और आपकी स्माइल जेन्युइन है तो आपको बनावटी करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, आप नेचुरली खुद ब खुद मुस्कुराएंगे। सो स्माइल, क्योंकि आपकी एक सच्ची मुस्कान आपका और आपके संपर्क में आने वाले लोगों का दिन पॉजिटिव वाइब से भर देती है और आपकी एक स्माइल कई बंद दरवाजों को भी खोल सकती है जो शायद आपका दिमाग नहीं खोल सकता। देखिए, आप किसी भी कंपनी से जुड़े हों, फिर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या आपका खुद का बिजनेस हो, नेटवर्किंग में हो, इंश्योरेंस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको राइज करना है, आगे बढ़ना है तो लोगों के साथ ही राइज करोगे, हेल्दी रिलेशनशिप के साथ राइज करोगे। तो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। फोर्थ थिंग, लोगों को नाम से बुलाइए, कॉल पीपल बाय देयर नेम। अगर लोगों के पसंद की बात करें कि लोगों को सबसे ज्यादा क्या सुनना पसंद है, तो घुमा फिरा कर एक ही चीज सामने आती है और वो है उनका खुद का नाम। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। इस बुक में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मिल जाएगी लोक व्यवहार एंड दिस बुक इज रियली अमेजिंग। फिफ्थ थिंग है कॉन्शियस लिसनिंग। इससे मेरा मतलब है कि सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान देकर सुनना, अटेंशन पे करना, बी अ गुड लिसनर। लोग आज चाहते हैं कि कोई उन पर अटेंशन दे, कोई उनको ध्यान से सुनने वाला हो और उन्हें समझने के लिए सुने। तो सुन लीजिए और सुनना भी चाहिए। भाई, कोई क्यों अपनी बात शेयर करना चाहता है? क्योंकि वो सोचता है यस, ये राइट पर्सन है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ। और आप जब सच में लोगों की बात सुनेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो लोग वास्तव में आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। पहले उन्हें पूरा सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई सुनना नहीं चाहता है, सब सुनाना चाहते हैं। और उनमें से एक अगर आप सुनने वाले बन गए ना, तो आप लोगों के दिल पर राज करेंगे। सिक्स थिंग, उनकी पसंद की बात करिए। ऐसी बात करिए और उसे ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि अगर उन्होंने ये कर लिया तो इसमें उनका क्या फायदा होगा। हमेशा खुद के बारे में ही नहीं बल्कि सामने वाले की पसंद के बारे में भी ध्यान रखिए। जब आप लोगों से बात करें तो उन्हें उनका फायदा हाईलाइट करके दिखाइए। अगर आप लोगों का फायदा करने के लिए रास्ते बता रहे हैं तो कोई कैसे आपको पसंद नहीं करेगा।
100% वो आपके मुरीद हो जाएंगे. सेवेंथ थिंग, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट. जेन्युइनली दिल से अगर आप उनकी बात सुनते हैं, उनकी तरफ से सोचते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि हाँ कुछ तो बात है बंदे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है और अगर आप ऑन टाइम विद प्रिपरेशन वहां पर पहुंच जाते हो, तो ये आपकी पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी के साथ साथ ये भी दर्शाता है कि ये टास्क, ये मीटिंग और ये लोग आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं. हियर वी आर ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. टोटल 15 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स की बात हो चुकी है. और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ये कमाल के 15 पॉइंट्स आपकी लाइफ स्टाइल की काया पलट सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट की ओर. 8th थिंग, आर्ग्यूमेंट से दूरी बनाए रखिए. अगर आपको किसी बहस को जीतना है तो सबसे बेस्ट तरीका है बहस तक की नौबत ही मत आने दीजिए. अगर आपको लगता है सॉरी बोल देना चाहिए तो सॉरी बोल दीजिए. आपके और सामने वाले के बीच ईगो का क्या काम, तो ईगो को बीच में मत आने दीजिए. किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा है वो वैसा है. अगर आप बहस जीत भी जाते हो तो आप वो इंसान खो देते हो. बहस तो कभी करनी ही नहीं है. बहुत रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली स्टाइल से बाहर निकल आइए. लोगों का दिल जीतने के लिए जो 9th थिंग है वो है कि लोगों का जो ओपिनियन है, जो राय है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चीजों को देखने का जो नजरिया है, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. वो गलत हो सकते हैं, वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं. जब आप उन्हें सुनेंगे नहीं, उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये डिस्कशन करने का फायदा ही क्या है. तो फिर आप अपना काम कर लीजिए और वो अपना काम करेंगे और दोनों आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं. सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली उसे सुनना भी चाहिए. 10th पॉइंट, अगर आप गलती करते हो तो मान लो. अगर आपको बातचीत के बीच, डिस्कशन के बीच कहीं भी रियलाइज हो, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो सॉरी बोलने से घबराइए मत, तुरंत बोल दीजिए, बहुत हल्का महसूस करेंगे. 11th पॉइंट है यस स्टैक. स्टैक का मतलब है ढेर लगाना और यस का मतलब है हाँ. हाँ का ढेर लगाते जाइए. जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो उन चीजों से बात मत शुरू करिए जहां पर आप दोनों के डिफरेंसेस हैं. अब कॉमन से मेरा मतलब है वो चीज जो सिमिलर हो आपके और सामने वाले इंसान के बीच में. उन चीजों को सामने लेकर आइए जहां आप और सामने वाला इंसान अग्री करते हैं और उनसे यस करवाते जाओ, यस करवाते जाओ. जब आसान चीजों पर यस मिलेगा तो जब मुश्किल चीजें आएंगी तो उस पर भी यस ही मिलेगा. जब आप सामने वाले व्यक्ति में अपने जैसी सिमिलैरिटी ढूंढते हैं तो आप उनका ब्रेन टैटू कर लेते हैं. तो किसी से भी मिलिए, कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढिए, ये स्टैक बढ़ाइए, ये आपको मेमोरेबल बनाता है. अब ये सिमिलैरिटी प्लेस की हो सकती है, लैंग्वेज की हो सकती है, हैबिट की हो सकती है या टेस्ट की भी हो सकती है. 12th पॉइंट है अपनी गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में, अपनी फेलियर्स के बारे में जरूर बात करें. जब आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं तो आप सामने वाले के लिए एक रास्ता खोल देते हैं. उसे लगता है अरे ये तो मेरे जैसा ही इंसान है, बनावटी नहीं है. और इसके बाद सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और आप लाइकेबल हो जाते हैं. 3 लास्ट पॉइंट बचे हैं, गौर से सुनिएगा. 13 पॉइंट, अगर आपको निर्णय लेना है तो आप सामने वाले को ऐसा महसूस कराइए कि निर्णय उन्हीं का था. हो सकता है निर्णय आपने लिया हो या हो सकता है निर्णय दोनों ने लिया हो, लेकिन सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि हाँ मेरी बात रखी गई. और अगर आप उनकी बात को प्राथमिकता देते हैं, उनकी बातों को, भावनाओं को दिल से सुनते हैं, तो आप उनके लिए मेमोरेबल हो जाते हैं और आप एक कमाल का सल्यूशन निकाल लेते हैं जो दोनों के लिए सही हो. तो कोई भी इंसान आपको सपोर्ट जरूर करेगा. 14 पॉइंट है ईमानदारी से, दिल से, बिना बनावट के, बिना ढोंग नाटक किए एक बार सामने वाले के नजरिए से उसकी बातों को समझने का प्रयास जरूर कीजिए. कभी कभी होता क्या है, हम अपने आगे किसी और की सुनना ही नहीं चाहते. अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता और बहस करते रहते हैं. और एक दो दिन जाने के बाद कभी कभी हमें ये लगता है कि बात तो वो सही कह रहा था, तो कई बार हम कोशिश ही नहीं करते उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझने की. और जब हम दूसरे के नजरिए को, भावनाओं को सम्मान देते हैं तो वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट हमें रिफ्लेक्शन में मिलती है. इस वीडियो का 15 पॉइंट, सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस पूछिए, अज्यूम मत करिए, खुद से मान मत लीजिए. डोंट बी स्टीरियोटाइप कि ये तो ऐसा ही होगा. नो नो नो, आस्क क्वेश्चंस,
क्लियर योर डाउट्स एंड डोंट फॉलो प्री डिफाइंड इमेज. जितना आप सवाल पूछेंगे उतना आप उन्हें जानेंगे. तो ये थे 15 धमाकेदार पॉइंट्स जिससे आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे, रिलेशंस बना पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मेमोरेबल वीडियो. इस यूजफुल कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाएं.